स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन हम ऐसा स्कूल आपको दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा के बजाय गलत संस्कार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के मगरलोड ब्लॉक के अमली भाटा शासकीय प्राथमिक शाला में एक शिक्षक नशे में धुत क्लासरूम में सोया मिला। इतना ही नहीं, टीचर नशे में इतना धुत था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। इस तरह नशे में धुत होकर यदि शिक्षक ही स्कूल में पहुंचेंगे तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। दरअसल नशे में शराबोर शिक्षक राकेश कुमार साहू इससे पहले भी कई बार शराब पीकर स्कूल आ चुका है। ग्रामीण सहित शाला विकास समिति ने शिक्षक के व्यवहार से तंग आकर पहले भी समझाइश दी थी, लेकिन शिक्षक ने उसे अनसुना कर दिया और अपनी आदत से बाज नहीं आए। शिक्षक के इसी हरकत से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और साथ ही स्कूल स्टाफ भी काफी परेशान है। अब शिक्षक की शिकायत बीओ ऑफिस को भी दी गई, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर नशे में धुत शिक्षक राकेश कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेज दिया है। शासकीय प्राथमिक शाला अमली भाटा के प्रधान पाठक के द्वारा हमको फोन के द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ का एक शिक्षक राकेश कुमार साहू नशे की हालत में पड़े हुए हैं घर पे, तो उसकी जांच के लिए हमारे यहाँ बीओ साहब के द्वारा हमको निर्देशित किया गया। उसके निर्देश पर यहाँ पे हम उपस्थित हुए और यहाँ पे देखा तो सही में संबंधित शिक्षक जो है नशे की हालत में अध्यापन कक्ष में ही भूत पाया गया, तो इसका प्रतिवेदन हम बना करके विकास कार्यालय के द्वारा जो है जिला शिक्षा अधिकारी को जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल भेजने की।